आलू प्याज के दामों में वृद्धि के चलते सरकार ने खोले सरकारी आउटलेट। कलेक्ट्रेट में बेचा जा रहा है आलू और प्याज। आजमगढ़, पिछले कई दिनों से आलू और प्याज के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई और आम लोगों की रसोई से आलू प्याज लगभग नदारद हो गया। दामों को नियंत्रण करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में आलू प्याज बिक्री केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां निर्धारित मूल्य पर आलू प्याज जनता को मुहैया कराया जा रहा है। खाद्यान्न विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट में आलू प्याज और टमाटर का आउटलेट खोलकर लोगों को आलू 33 रुपए किलो और प्याज 45 रुपए किलो मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आउटलेट पर सरकार के और एनजीटी के नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिक्री की जाने वाली आलू प्याज को ग्राहकों को देने के लिए प्रतिबंधित पॉलिथिन का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है और इसका प्रयोग ऐसी जगह किया जा रहा है जहां जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। संवाददाता रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हम प्रभारी हैं। क्या स्टॉल लगा है यहाँ? यहाँ पे आलू प्याज का है स्टॉल। टमाटर का, टमाटर नहीं मिला फिर मिल जाएगा कल से, वो भी व्यवस्था हो जाएगी जी। आलू कितना रेट बेच रहे हैं आप? आलू जो है 33 रुपये किलो है और प्याज जो है 43 है। तो किसकी मंशा के अनुरूप है? शासन की तरफ से? हाँ, शासन की तरफ से माननीय योगी जी के मतलब आदेश से हम लोग काम कर रहे हैं। किस विभाग से? किस विभाग से? ये उद्यान एवं खाद्य ट्रांसपोर्ट विभाग में लगा है जी। चाचा क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं? एक गांव है लीलापुर भगली बाजार के पास, पल्ली ब्लॉक। आज जो स्टॉल लगा है क्या लेने आए हैं? आलू प्याज। अच्छा, तो क्या रेट मिल रहा है? ठीक है, जो रेट मिल रहा है मार्केट से बहुत सस्ता मिल रहा है और बहुत ठीक व्यवस्था है। क्वालिटी भी अच्छी है? ठीक है, क्वालिटी बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन ठीक। क्या कहेंगे शासन की मंशा पे? ठीक है शासन की यह मंशा तो ठीक। महंगाई पे नियंत्रण लगेगा इससे? बिल्कुल लगेगा। अगर मोबाइल गाड़ियां इस तरह से घूमने लगे मार्केट तो नियंत्रण तो लग ही जाएगा। जो प्राइवेट व्यापारी लोग अपना माल दबा के बैठे हुए। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।